दो तीन चीजों के बारे में बात करनी बहुत ज्यादा जरूरी है। एक यूपी पीसीएस के बारे में, एक जो यूपी गवर्नमेंट का एक डिसीजन आया है कि दरोगा तक जितने भी लोग होंगे, मतलब कांस्टेबल से लेके दरोगा पोस्ट मैक्सिमम तक इन लोगों की छटनी होगी, और करीबन 500 से लेके कुछ 600-700 लोग को निकाला जा सकता है। जो भी लोग ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, एफिशिएंट नहीं है, या भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, या फिर सक्षम नहीं है सारे काम करने में, ये सारी चीज़ें। सबसे पहली बात तो यूपी पीसीएस की है। यूपी पीसीएस में इतने सारे छात्र लोग विरोध क्यों कर रहे हैं मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। 2018 का रिजल्ट आ चुका है, सरकार कह रही है पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है, फेयर प्रोसेस अपनाई गई है, किस बेसिस पे कह रहे हैं ये नहीं समझ में आया अभी तक। जो बाकी छात्र हैं, मैंने देखा है 90% से ज़्यादा लोग यहाँ पे मान रहे हैं कि यहाँ पे पूरा सब सही नहीं है। आप लोग चलिए अभी अभी सर्वे कर लेते हैं, जितने भी लोग ये वीडियो सुन रहे हैं, कि आपको लगता है कि 2018 का जो रिजल्ट आया है कम्प्लीटली फेयर है? क्या लगता है ऐसा कि मतलब बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, बिल्कुल फेयर है, एक भी चीज़ जो है इधर उधर नहीं हुई है? बस ये आप बताइए कमेंट करके, और ये वीडियो पहुंचाइए ज़्यादा से ज़्यादा। कई सारी चीज़ें चल रही हैं यूपी पीसीएस में 2000। अब अच्छा आप ये बताइए, मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये सरकार अगर जैसे कह रही है, जैसे मैं कोई काम कर रहा हूँ ठीक है, अगर स्टूडेंट फीडबैक देते हैं तो मैं दिखाता हूँ, मैं अगर खुद बोलने लगूँ बिना कोई स्टूडेंट का फीडबैक दिखाए, बिना कोई जो है सिलेक्शन दिए कि भैया मैं बेस्ट हूँ दुनिया में, तो क्या ये मान लिया जाएगा? नहीं माना जाएगा ना। अगर स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा वो बोलेंगे, स्टूडेंट को फायदा होगा, उनकी जीके तेज होगी, वो लोग अपने आप जो है आगे बढ़ के जगह जगह फैलाएंगे कि नहीं यार अगर तुमको जीके करनी है तो स्टडी फॉर सिविल सर्विस वाले को फॉलो करो, सारी बुक्स के पापा दे देता है, ये देता है। ये ऐसे होगा ना कि आप जो है, मैं खुद ही अपना कैलकुलेट सब कर लूंगा एवेल्युएट, मैं कह दूंगा मैं यूपीएससी में नंबर वन हूँ, मैं यूपी पीसीएस में नंबर वन हूँ, मैं बीपीएससी में सब मैं नंबर वन मैं ही हूँ, सब कुछ और कोई है नहीं, बाकी सब जो है घास चरा रहे हैं। ये हो रहा है यहाँ पे, समझ रहे बात आप? ये हो रहा है कि यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि ये जो प्रोसेस है फेयर है। कैसे कहा? इनके जो आप देखिए एक चीज ये है, ये इनइक्वालिटी हो रही है यहाँ पे। आप जो है दरोगा तक, ये वाली बात पे पहले फोकस कर लेते हैं, दरोगा तक छटनी हो रही है, दरोगा तक होगी उसके ऊपर वालों की नहीं होगी? मतलब आप ये कह रहे हो कि दरोगा और उससे नीचे वाली पोस्ट के लोग हैं वही लोग करप्ट होते हैं, या फिर वही लोग सक्षम नहीं होते हैं, वही लोग जो है काम के नहीं होते हैं, उनसे ऊपर वाले DYSP SP और जो और ऊपर वाले ऑफिसर है सारे बिल्कुल फेयर है, बिल्कुल ईमानदार है, सारा अपना काम डेडिकेशन के साथ करते हैं, जो उनका कर्तव्य होता है निभाते हैं? ये तो इनइक्वालिटी हो गई ना समाज में, ये पूरी इनइक्वालिटी कर रहे हैं। 500-600 लोग जो निकलेंगे यहाँ से, फिर उनका कौन जिम्मेदार होगा, कैसे वो लोग अपनी रोजी रोटी चलाएंगे? अगर देखिए कोई भी पोस्ट का हो, अगर वो अपनी जॉब ठीक से नहीं कर रहा है, उसके काम का चेकिंग करो, जो वो काम करता है वो वाला चेक करो। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, मुझे चेक करना है तो आप मुझसे जो है टेस्ट बनवाओ, मुझसे वीडियो बनवाओ, मुझसे जो है पापा वीडियो बनवाओ, अगर मैं वो कर पाया आपके सामने तो बढ़िया हूँ, नहीं तो नहीं। तो जो भी जो काम कर रहा है उसको उस काम में चेकिंग करो, और वो अगर अच्छा नहीं है, नहीं इफिशियंट है, नहीं जो है काबिल है, नहीं वो सरकार के जो है पैसे को जस्टिफाई कर पा रहा है जो उसको सैलरी मिल रही है, या भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो उसको भगा दो, चाहे वो किसी भी पोस्ट का हो। इसमें दरोगा तक वालों की क्या बात हो गई? ये तो मतलब गलत बात है, साफ साफ गलत है। ये तो छटनी कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जो है ये दरोगा तक वाले लोग, ये मतलब मुझे नहीं समझ में आ रहा। जो अभी आपने देखा जो विकास जो दुबे का कांड हुआ था, जो भी उसमें DYSP भी मारे गए थे कि नहीं मारे गए थे? तो मतलब वो लोग भी ऑपरेशंस में जाते हैं कि नहीं जाते हैं? कानून व्यवस्था जो है सुधारना सिर्फ दरोगा तक के लोगों का काम है, और जो दरोगा तक को, जो दरोगा और कॉन्स्टेबल तक है, बस उन्हीं को सैलरी मिलती है, बाकी सारे जो अब ऊपर वाले ऑफिसर्स हैं क्या वो बिल्कुल सही होते हैं? क्या उसमें कभी भी भ्रष्टाचार नहीं होता है? वो लोग हमेशा ईमानदार होते हैं? ये आप लोग खुद बताओ, ये कहाँ तक मतलब न्यायोचित है कि आप जो है, अगर एक पूरी फोर्स है उसमें से सिर्फ एक जो है स्पेसिफिक लोगों को टारगेट करके उनको निकाला जाएगा, ये मुझे तो नहीं लगता है कि कहीं से भी जस्टिफाइड है। दूसरी चीज यूपी पीसीएस की अगर आप बात करें, यूपी पीसीएस में अध्यक्ष जी ने बोल दिया कि नहीं बिल्कुल फेयर और ट्रांसपेरेंट है, जबकि सारा स्टूडेंट कम्युनिटी कह रहा है कि नहीं सर नहीं है। योगी जी पता नहीं क्यों नहीं सुन रहे हैं बात, या फिर जो है वहां तक पहुंच नहीं पा रही है। सुना योगी जी इन सब डिसीजंस में पूरी बात मान लेते हैं, जो ऑफिसर्स होते हैं, जो उस अध्यक्ष जैसे होते हैं, हर बोर्ड के जो भी टॉप ऑफिसर्स बोलेंगे योगी जी को वो मान लेते हैं। अगर ऐसा है तो सर ये बहुत गलत है, एक सीएम को कम से कम खुद ही चीज़ों का संज्ञान लेना चाहिए। लोग करा रहे हैं,
कई सारे स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान है। प्लीज़ आप लोग आरटीआई जरूर करिए, लगातार आरटीआई करिए। अभी तक जो है यूपी पीसीएस के कोई भी मुद्दे सॉल्यूशन की तरफ नहीं जा रहे हैं। अगर इनके काम को इवेल्युएट कौन करेगा? अरे आयोग ने परीक्षा ट्रांसपेरेंट कराई, फेयर कराई, इसको इवेल्युएट कौन करेगा? इसको क्या वो लोग जो करा रहे हैं वही कर लेंगे? ये तो कोई बात ही नहीं होती ना कि आप जो है अकेले ही दौड़ रहे थे, आप अपने आप को ही बता रहे हो कि हम दुनिया में सबसे फर्स्ट आए हैं। अरे किसी दूसरे को नापने दो ना, जनता को नापने दो ना काम, हमको इवेल्युएट करने दो। मैं नहीं कर रहा हूं, आप लोग करिए काम को। आप लोग कमेंट करके बताइए कि भैया जो ये यूपी पीसीएस का आयोग का काम है, चलिए बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन है, परीक्षा हो रही है तेजी तेजी और बड़ी जो है अच्छी तरीके से परीक्षा कराई गई है, क्वेश्चंस का लेवल बढ़ा है। जो काम तारीफ करने वाली है वो ठीक है, वो उसमें कर रही है, वो बढ़िया चीज है, मैं भी मानता हूँ। लेकिन अगर इतने सारे लोगों के डाउट आ रहे हैं, इतने सारे लोग आरटीआई कर रहे हैं, आप क्यों नहीं मार्कशीट क्यों नहीं दे रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा है, इतने दिन से जो है ये मुद्दा उठाया जा रहा है, यूपी पीसीएस का डेटा क्यों नहीं मिल रहा है? क्यों आरओ 2017 के नंबर नहीं दिए जा रहे हैं? क्यों नहीं शो किए जा रहे हैं? क्यों जो है आपका यूपी पीसीएस 2018 का नंबर नहीं दे रहे हो आप? क्यों इंटरव्यू के मार्क्स नहीं रिलीज कर रहे हो? क्यों आरटीआई का जवाब नहीं दे रहे हो? क्यों वेटिंग लिस्ट नहीं जारी कर रहे हो आप? ये यूपी पीसीएस में जो अभी कह रहे हो, अभी उड़ती हुई उड़ती खबर आई थी एज लिमिट और जो है अटेम्प्ट लिमिट को कम करने की बात, ये क्यों नहीं इस पे क्लेरिफिकेशन दिया जा रहा है कि नहीं होगा ये इस पे क्यों नहीं जवाब आना चाहिए? डेटा पूरा यूपी पीसीएस के जो अध्यक्ष जी हैं, जो आयोग के अध्यक्ष जी हैं, उनको क्यों नहीं देना चाहिए ये? आप ये पूरा डेटा दीजिए ना। और जो ये छटनी हो रही है ना, मुझे तो लगता है सबसे ज्यादा छटनी की पता है कहाँ जरूरत है? सबसे ज्यादा छटनी की जरूरत है जो जितने भी परीक्षा बोर्ड हैं उस पे जो टॉप ऑफिसर्स हैं उनकी छटनी की जरूर जरूरत है, उनकी एक इवेल्युएशन की जरूरत है। जैसे यूपी पीसीएस के पूरे बोर्ड मेंबर, अध्यक्ष, जो भी लोग हैं, जो भी परीक्षा को संचालित करते हैं, जो टॉप ऑफिसर्स हैं, अगर कोई जो लोग ईमानदार हैं उनको बिल्कुल प्रमोट करके आगे से आगे बढ़ाना चाहिए। अगर जरा सी भी गुंजाइश होती है, जैसे अंजू लता कटियार के ऊपर कुछ आरोप लगे थे, वो अभी तक शायद मुझे लगता है बंदी है, अभी लेटेस्ट खबर नहीं है मुझे, लेकिन उनके साथ जो भी हुआ, अब अगर ये वाली चीजें क्या मतलब वहां से खत्म हो गई? अभी तक अब बिल्कुल सब बिल्कुल ही बिल्कुल 100% सही होने लगा है, ये भी सरकार बता रही है जो खुद करवा रही है। विपक्ष जो है कह रहा है कि नहीं, ये जो है इसमें कुछ ना कुछ हुआ है। आईपी सिंह एक एसपी समाजवादी पार्टी के कोई हैं, शायद वो पहले स्टेट मिनिस्टर थे, उन्होंने कल एक ट्वीट किया था, देख रहा था उसमें बीजेपी के किसी जो है नेता का नाम लिया था कि उनके वो राजस्थान से आए हैं और वो उनके अंडर में काफी सारी चीजें गलत हो रही हैं। अगर अपोजिशन पार्टी ऐसा कुछ कर रही है तो क्या एक बार संज्ञान में नहीं लेना चाहिए मोदी जी को, सॉरी योगी जी को? तो ये वाली समस्या है यहाँ पे बिल्कुल। अगर इवेल्युएशन करेगा तो स्टूडेंट नहीं करेगा, जनता नहीं करेगी, तो फिर कौन करेगा? आप खुद ही काम करोगे, खुद ही इवेल्युएट बन जाओगे, इवेल्युएट कर लोगे, खुद ही आपने कहा एग्जीक्यूटिव बने, खुद ही उसमें जुडिशरी बन गए। सेपरेशन ऑफ पावर का क्या कॉन्सेप्ट होता है? एक लेजिस्लेचर है जो लॉ बनाता है, कि एग्जीक्यूटिव है जो एग्जीक्यूट करवाता है, एक है जुडिशरी जो भी भैया जजमेंट देता है। अगर तीनों काम एक ही आदमी करने लगे तो इन देश में तीन तीन संस्थाओं की जरूरत क्या है? फिर जो आदमी काम कर रहा है वही अपने को कह रहा है कि मैं 100% मैं ईमानदार हूं, मैंने बिल्कुल सही किया है, तो फिर स्टूडेंट और फिर जनता की क्या मतलब है? मेरे हिसाब से ये इशू उठते रहने चाहिए। और अगर सब कुछ सही हुआ है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर जो है उसमें चीजें गलत हुई हैं, मतलब आप लोग यहाँ पे जनता हो, आप भी लोग बताओ भैया कि क्या है। लेकिन यूपी पीसीएस 2018 के बारे में डेटा रिलीज करना तो कम से कम बनता है। अध्यक्ष जी प्लीज डेटा रिलीज करिए, सारे लोगों की लिस्ट जारी करिए, किसको कितने मेंस में नंबर मिले, कितने इंटरव्यू में मिले, ये पूरी लिस्ट जारी होनी चाहिए, एक से लेके पूरे लास्ट रैंक तक वालों की, ठीक है? ये होना बहुत जरूरी है। और स्केलिंग हुई कि नहीं हुई, क्यों नहीं आप जवाब दे रहे हैं, प्लीज जवाब दीजिए। मॉडरेशन आपने क्या किया है 30+ वालों का? अगर किया है तो क्यों किया है, उसका बेसिस क्या है? क्या आप आगे आने वाले 2022 तक या उसके बाद एज लिमिट कम करोगे, अटेम्प्ट लिमिट कम करोगे? अगर नहीं करोगे तो फिर ये बीच में क्यों उड़ रहा है, ये आप क्लेरिफिकेशन क्यों नहीं दे रहे हो? और दूसरी बात कि सही काम हुआ है कि नहीं हुआ है, एक बार स्टूडेंट की राय लो। अरे आपको अध्यक्ष जी की एक ईमेल आईडी है, चेयरमैन ऑफिस यूपीपीएससी, या फिर जो है योगी जी की है आईडी, आप बताइए, हम लोग फीडबैक देंगे, एक स्टेटमेंट आप दीजिए कि हाँ बताइए किसको किसको जो है लग रहा है डाउट। अगर किसी को डाउट लग रहा है तो उसकी चेकिंग होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, और वो
ऐसा थोड़ी ना है कि हमारे पास इतने स्किल्ड लोग नहीं है कि जो कॉपी ना चेक कर सके, या फिर जिसने कॉपी चेक की उसको ना देख सके कि भैया इन्होंने सही से चेक करी कि नहीं करी है, मेंस के मार्क्स सही से जोड़े गए हैं कि नहीं जोड़े गए हैं, स्केलिंग जो है करी गई है कि नहीं करी गई है, इंटरव्यू में ठीक से मार्क्स दिए गए हैं कि नहीं दिए गए हैं, किसी को ज़्यादा दिए गए हैं, पार्शियलिटी तो नहीं करी गई है, हिंदी माध्यम को क्यों पीछे रखा जा रहा है, हिंदी माध्यम का डेटा क्यों नहीं रिलीज कर रहे हैं, ये मेरे सवाल हैं। अगर आपको लगता है कि ये बिल्कुल जायज़ है तो बताइए, वरना भैया मैं यहाँ से जो है वीडियो बनाना बंद कर दूंगा ये। लेकिन इस पे सवाल उठने जरूरी हैं। यूपीएसआई की बात करें, यूपीएसआई में भी यही हो रहा है, 2016 का अभी तक रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि कुछ लोग ऐसे थे जो काबिल नहीं थे, उनको ट्रेनिंग करा दी, फिर कुछ लोग कह रहे हैं कि नहीं ऐसा नहीं, हम काबिल थे, हमको ट्रेनिंग कराई है। तो ये आपस में ही स्टूडेंट को लड़ा के खेलते हैं। ये यूपी SSSC के जो रिजल्ट ही नहीं आ रहे हैं, वीडियो वाले परेशान हैं, युवा कल्याण वाले परेशान हैं, सारे जो है एग्जाम के बोर्ड जितने भी हैं इन सबको बहुत अच्छे से रिफॉर्म करने की जरूरत है। कोई सुन रहा हो अगर सरकार तक मेरी बात कभी पहुंचती है तो प्लीज, जितने भी बोर्ड हैं, जितने बोर्ड हैं जो भर्ती बोर्ड हैं, इन सबको बहुत दुरुस्त करने की जरूरत है। फेयर सिलेक्शन होना और इंश्योर करना ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और इसके लिए ट्रांसपेरेंसी बहुत जरूरी है। बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, ये स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। मुझे नहीं समझ में आता है क्या ट्रांसपेरेंसी है। अगर एक छात्र सिलेक्ट होने के बाद अपने मार्क्स तक नहीं देख सकता है तो सर क्या ट्रांसपेरेंसी है। अगर एक छात्र जो है वो नहीं सिलेक्ट हुआ, उस वो अपनी कॉपी देखना चाहता है, वो नहीं देख पा रहा है, तो क्या ट्रांसपेरेंसी है, ये क्या ट्रांसपेरेंसी होती है फिर, और क्या मतलब होता है। मतलब RTI RTI जो है कानून किस लिए बनाए गए थे। सारी सरकारें जो, जैसे आप जो जब सपा में थे, सपा सरकार थी, तब ये लोग कहते थे कि भ्रष्टाचार हुआ। अब जो है तो इन्होंने कहा कि ठीक है हम CBI कर देंगे। अब CBI की 3 साल हो गए, 2.5 साल हो गए, 3 साल हो गए, मतलब मुझे लग रहा है कि कितनी लंबी जांच चलेगी यार। ये बीरबल की खिचड़ी पकती क्यों नहीं है, कब कब पकेगी सर, कब आएगा उसका रिजल्ट दीजिए सर। वो जो इतने दिन से जांच चल रही 2015 PCS वालों की और उससे पहले वालों की, तो उसमें मतलब क्या उसका कुछ है, रिजल्ट रिजल्ट है कुछ, कोई पकड़ा अकड़ा गया, कोई गलती वलती निकली कि नहीं निकली। अरे नहीं निकली तब भी बता दो कम से कम कि नहीं यार हमने चेक किया सब बढ़िया था। तो सब बढ़िया था मतलब कि पहले वाली सरकार में क्या करप्शन हुआ था, अगर हुआ था तो उसकी जांच हुई तो उसका रिजल्ट तो दो ना। ये एक चीज है। पहले वाली सरकार की मैं कोई तारीफ नहीं कर रहा हूँ, पहले वाली सरकार भी बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं थी। वो लोग तो ऐसे थे कि जो है नाम तक नहीं लिखते थे, रोल नंबर ही लिख देते थे। और ये बिल्कुल जग जाहिर है कि उसमें भी बहुत ज़्यादा चीज़ें गलत हुई थी। यहाँ भी लेकिन कोई बदलाव नहीं हुआ है, तो फिर जो है क्यों लोगों ने जो है पार्टी बदली। जब अगर बदलाव होता, कुछ रिफॉर्म होता, ट्रांसपेरेंट होता प्रोसेस, सीटें बढ़ती, सीटें तो बढ़ी नहीं, सीटें तो घट गई, और सीटें तो 2020 में 200 हैं सिर्फ, समझ रहे हो बात आप। और अब जो है आउटसाइडर, अगर आप देखें जितनी सीटें हैं उसमें से 30% लोग आउटसाइडर हैं। आपने सुना है कभी भी ऐसा कोई भी स्टेट PCS का एग्जाम जहां पे 30% लोग आउटसाइडर हो। मुझे आउटसाइडर से नहीं दिक्कत है, मैं साफ बता रहा हूँ यहाँ पे। यहाँ पे लेकिन कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए कि आप यूपी का पेपर लो, आप यूपी के ऊपर जो है फोकस करो, कम से कम उन लोग को यूपी की जानकारी होनी चाहिए, प्लस जो स्केलिंग वाला कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस करो, इसको उसको एप्लीकेबल करो भैया, सब पे स्केलिंग होना जरूरी है। और आउटसाइडर जो है उसके लिए मतलब कुछ लिमिट होनी चाहिए, ऐसा थोड़ी ना है कि सर आप सारी की सारी अगर 900 सीटें निकली तो सारे पे अलाउ कर दोगे। ये कोई ऑल इंडिया कॉम्पिटिशन है क्या, UPSC में सारे लोग स्टेट के आते हैं, वो बिल्कुल बात समझ में आती है, बहुत बढ़िया चीज है। लेकिन आप यूपी वाले एग्जाम में UPSC का फॉर्म, तो फिर UPPCS को UPSC को ही क्यों ना दे दिया जाए। फिर आप ये समझ लो कि एक वो UPSC होता है, एक UPSC पार्ट टू होता है, तो फिर तो ऐसा होना चाहिए। अरे कुछ तो लिमिट लगाइए ना कि 20%, 10%, 30%, कि भैया कुछ सीटें हैं इसकी, कुछ सीटें बाकी स्टेट वालों के लिए भी हैं। टैलेंट क्या मतलब यूपी में है ही नहीं, और अगर नहीं है तो फिर जो है एग्जाम देने का कोई मतलब ही नहीं है। फिर आप बताइए साहब साहब, फिर आप कभी कहते हैं योग्य हैं लोग यूपी के, कभी कहते हैं योग्य नहीं है। समझ ही नहीं आ रहा है हम लोग योग्य हैं कि नहीं है, इसको बताएगा कौन, कि मतलब कौन बताएगा। ये जो है नेता बताएंगे, मंत्री बताएंगे, अधिकारी बताएंगे कि हम लोग योग्य हैं कि नहीं है। बाकी आप लोग यहाँ पे देख लीजिए अपने हिसाब से जो है। ये वाली बात मुझे लगता है कि उठनी जरूरी थी, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दी। अगर जो है यहाँ पे कुछ ट्रांसपेरेंसी आ जाए, UPPCS, UPSSSC, UPSI, यूपी के जितने भी बोर्ड हैं सब में एक बड़े रिफॉर्म की जरूरत है, पूरे स्ट्रक्चरल चेंजेस चाहिए यहाँ पे। पूरा का पूरा जो है ट्रांसपेरेंट करना पड़ेगा, फेयर सिलेक्शन इंश्योर करना पड़ेगा,
उसके लिए बहुत सख्त कदमों की जरूरत है। और लेकिन समस्या यही है कि उसके लिए बिना जो है पार्शियलिटी नहीं होनी चाहिए, उसके लिए एक समान नजरों से सबको देखना पड़ेगा, न्यूट्रल रह के सबकी चेकिंग करनी पड़ेगी। सारी पार्टियों में कुछ ना कुछ कमियां हैं, यहां भी जो है ये अगर एक पार्टी कह रही है कि नहीं हम ही ईमानदार हैं बाकी सब जो है गलत है, फिर वही पार्टी वही स्टेटमेंट सब लोग कहते हैं, हम सिर्फ छात्र बने रहेंगे यहाँ पे, हमारी सिर्फ आप बताइए क्या क्या डिमांड होनी चाहिए। मैं जो ये कहने जा रहा हूँ, क्या इसमें कोई गलत है? क्या फेयर सिस्टम नहीं होना चाहिए? क्या स्केलिंग नहीं होनी चाहिए? क्या मॉडरेशन हुआ है कि नहीं हमको नहीं पता चलना चाहिए? क्या हमको अपने एग्जाम देने के बाद नंबर नहीं पता लगने चाहिए? क्या हमको टॉपर्स के जो 100 टॉपर्स हुए टॉप 100 उनकी आंसर कॉपी नहीं दिखाई जानी चाहिए कि हम लोग भी इंस्पायर हो सकें, बाकी लोग स्टूडेंट इंस्पायर हो सकें कि भैया ऐसा क्या लिखा जाता है कि जो है इनको ये टॉप कर जाते हैं बाकी लोग नहीं करते हैं। और इससे टॉपर का भी जो है प्रसिद्धि होगी कि बढ़िया जो है इसने आंसर लिखा है। मुझे तो नहीं लगता है कोई भी जो फेयर तरीके से सिलेक्ट हुआ होगा वो मुझे किसी भी बात पे अपोज करेगा। मैं ये नहीं चाहता हूँ कि कोई रिजल्ट फंसे या फिर हाई कोर्ट जाए कोर्ट में जाए, ये सब नहीं, लेकिन फेयर सिलेक्शन इंश्योर करना जरूरी है। फेयर सिलेक्शन से पता है क्या होगा, कई लोग की रैंक बहुत कम आई है और मुझे लगता है कि वो डिजर्व करते हैं काफी ऊपर की रैंक के लिए, अगर जो है स्केलिंग इंप्लीमेंट कर दी जाए और लोगों ने सही बात फेयर तरीके से मेहनत करके लिया है तो अपने आप वो लोग ऊपर आएंगे। अगर उनकी कॉपी जो है वो सिलेक्ट हुए हैं उनको मार्क्स पता चले और अगर उनका जो है उनके मन में डाउट है तो वो आरटीआई से कॉपी दिखाई जानी चाहिए, ठीक है। ये सारी चीजें मतलब इसमें कोई गलत नहीं है। कई टॉपर्स मेरा जो है मजाक उड़ाते हैं, कई लोग जो है ट्रोल करते हैं, फेसबुक में भी ट्रोल करते रहते हैं, खैर मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, काम पे मैं फोकस करता हूँ। हमारा जो स्टडी फॉर सिविल सर्विस चैनल है हम लगातार इसमें पढ़ाने के लिए बात करते हैं। ये यहाँ पे मुद्दे उठाना जरूरी है क्योंकि ये स्टूडेंट के मुद्दे हैं और सिर्फ मैं स्टूडेंट कम्युनिटी के लिए अभी जिम्मेदार हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि ये सब चीज़ें ऊपर तक पहुँचानी चाहिए, सिस्टम को रिफॉर्म करना बहुत जरूरी है। बाकी देश में बहुत सारी समस्याएं चल रही हैं, किसानों के जो है बिल लाए गए हैं वो कह रहे हैं बहुत अच्छा है, ये कह रहे हैं कि हमें नहीं चाहिए अच्छा गिफ्ट, तो ये भी चीज़ें हैं। प्राइवेटाइजेशन की बात कर लो आप, रेलवे की, रेलवे में जो है कह रहे हैं प्राइवेटाइज करने से अच्छा हो जाएगा। अच्छा ये बताइए, आप खुद एक सवाल सोच के देखना कि रेलवे में रेलवे जो होती है वो रेल ट्रैक पे ही तो चलती है, वो तो लगभग फिक्स रहती है, थोड़ा बहुत अगर बढ़ गई तो बढ़ गई। आप ये बताइए कि अगर फिक्स रूट है उसी में प्राइवेट आपने ट्रेन चला दी, उसी में जो सरकारी चला दी, प्राइवेट वाले अपना मन माफी कर किराया वसूल सकते हैं, ये भी सरकार कह रही है, गरीब कैसे जाएगा? कह रहे हैं लोगों के तर्क सुन लो ना आप, तो हंसते हंसते पागल हो जाओ। कह रहे हैं कि अगर ये जो है इससे देखो कंपटीशन आएगा, जैसे टेलीकॉम वाला था, टेलीकॉम में पहले BSNL करता था तो फिर बाकी लोग आ गए तो कंपटीशन बढ़ गया, तो इसलिए इंटरनेट सस्ता हो गया, इसीलिए तुम भी तो दे रहे हो, इसीलिए तो तुम भी वीडियो दे रहे हो, तुम्हारा देख पा रहे हैं। अरे लल्लू लाल ये वो अलग चीज है। आप ये बताइए कि क्या जो है एक सेब की खेती को एक गेहूं की खेती से कंपेयर किया जा सकता है क्या? मतलब हर चीजों की कंडीशन अलग, कॉटन के लिए अलग जो है वो कंडीशन होती है, बाकी राइस के लिए अलग होती है। यार ऐसे कैसे हो सकता है यार? आपसे मैं कह दूं कि आप ये देखो, ये मेरा फोन है और ये मेरी पेंसिल है, इन दोनों को कंपेयर करो, ये दो अलग अलग चीजें क्या कंपेयर हो सकती हैं? रेलवे जो है वो रेल की पटरी में चलती है, रेल की पटरी है फिक्स, अगर प्राइवेट लानी है तो पटरी अलग करो, उनसे कह दो खुद ही पटरी बनाए अपनी, हम जो ये पटरी है पब्लिक के पैसे से बनी हुई है इस पे क्यों प्राइवेट ट्रेन चलनी चाहिए, मुझे बताइए, मुझे कोई बता दे अगर ये बुद्धिमान आदमी, तो मैं चलो मैं मान गया मैं बेवकूफ हूं, लेकिन मुझे कोई प्लीज बुद्धिमान आदमी समझाए कि मैं कहां गलत सोच रहा हूं। रेलवे ट्रैक फिक्स है, उसमें प्राइवेट ट्रेन चलाएंगे अपना जो है, मान लो उन्होंने जो है प्राइवेट उन्होंने वो ट्रैक ही खरीद ली, ट्रैक खरीद लिया, अपने आपको प्रायोरिटी दे दी, तो सरकारी वाले लोगों का घाटा नहीं हो जाएगा? जो सरकारी ट्रेन में बैठा आदमी है, आदमी औरत जो भी है, सरकारी ट्रेन में बैठे जो लोग हैं उनका घाटा हुआ कि नहीं हुआ? यहाँ पे ये समझने वाली बात है, बहुत मतलब पॉइंट की बात बता रहा हूँ, इस पे कोई डिस्कस ही नहीं कर रहा है। अरे प्राइवेटाइजेशन के फायदे हैं, कंपटीशन से बिल्कुल क्वालिटी बढ़ती है, जो कंपटीशन में लोग होते हैं कंपनियां वो आपस में जो है कॉम्पीट करती हैं ताकि अच्छी क्वालिटी दे और कस्टमर को ज्यादा से ज्यादा रिजाएं, वो अलग चीज है। अरे लेकिन यहां पे रेलवे ट्रैक फिक्स है यार, बात ही नहीं समझ रहे हो आप लोग। रेल ट्रैक कोई खरीद लेगा, प्राइवेट अपनी चलाएगा, सरकारी वहां जाने नहीं देगा, किराया बढ़ा देगा 20 गुना 10 गुना, तो फिर घाटा हुआ कि नहीं हुआ? इसमें कहां कंपटीशन आ गया, वो तो कंपटीशन खत्म कर देगा।
अगर प्राइवेट वाला जो है ट्रेन चलाएगा तो वो तो पूरी ट्रैक खरीद लेगा या प्रायोरिटी ले लेगा, तो फिर गवर्नमेंट तो कर ही नहीं पाएगी ना कुछ। बाकी भैया जो है जितना मुझे समझ में आया मैंने बताया, बाकी जयराम जी की जय हिंद।